बड़ी खबर लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अब से थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने बकायदा ऑनलाइन अपनी बात को रखा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही समझ लीजिए, देश दुनिया के सामने बात रखी। और थोड़ी देर के बाद जानकारी मिल रही है, पंकज जैन हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं कि 20 मिनट के बाद 12:20 पर लगभग अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। कहते हैं अरविंद केजरीवाल, जो उन्होंने बयान दिया कि मुझे बदनाम करना चाहते हैं, ईडी ने मुझे एक बात का भी जवाब नहीं दिया है, और कह रहे हैं तमाम बातें जिस तरह से उन्होंने रखी आपको सुनवा भी देते। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं, इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है, क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए, अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था, मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं, तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल को भी आप सुन रहे थे, हर खबर पर अपडेट आप सभी को कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये जो नोटिस उनको भेजा गया है, जो समन है, वो गैर कानूनी है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए आशुतोष जी, अरविंद केजरीवाल ने सिद्ध कर दिया है कि वो अपराधी है। पहली बार मैं देख रहा हूँ ऐसा कांप रहे हैं व्यक्ति बोलने में, कुछ सवालों का जवाब देने में। पहली बार मैं देख रहा हूँ एक व्यक्ति लगातार कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर एनसीटी दिल्ली होते हुए वो आज दिल्ली के यूथ को, लॉ अबाइडिंग पर्सन को क्या मैसेज दे रहे हैं? कानून का पालन मत करो, ये कितना खतरनाक संकेत है। और जहां तक रही बात लीगल और इलीगल की, मैं पूछना चाहता हूं क्या उनके 2 मंत्री इसी केस में जेल में नहीं है? कोर्ट उनको बेल देने से मना कर रही है, क्या ये सत्य नहीं है? तो जब आपके 2 कैबिनेट मिनिस्टर जिस केस में जेल हैं, बेल नहीं मिल रहा है कोर्ट से, फिर बीच में बीजेपी कहां से आ गई? आपको कानून का पालन करना चाहिए, आप लगातार समन्स का पालन नहीं कर रहे हैं। और स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मास्टरमाइंड हैं, जो शराब घोटाला हुआ है। इसलिए मेरा मानना है आशुतोष जी कि ऐसे व्यक्ति के साथ कड़ाई से कानून का पालन होना चाहिए। मनोज जी, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि 2024 चुनाव बेहद नजदीक है और 2 महीने पहले यह समन जारी करना मुझे चुनाव प्रचार से रोकने के लिए उठाया गया है, और ये साजिशन ईडी पर दबाव डाला गया है और इसके पीछे बीजेपी है, साफ तौर पर कह रहे हैं। ये तीसरा ईडी का नोटिस गया है, अगर उनको इतनी चिंता थी तो पहले ही पे जा करके जवाब दिए होते। लेकिन प्रश्नों से भागना, कानून के पालन करने से भागना, ये तो स्पष्ट दिल्ली वाले देख रहे हैं कि ये तो कट्टर बेईमान निकले अरविंद केजरीवाल। जो जो व्यक्ति अपने वादे के अनुसार न दिल्ली को कुछ नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, सिर्फ और सिर्फ गंदगी, सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन, तो ऐसे व्यक्ति को बहाने तो बहुत आते हैं आशुतोष भाई, लेकिन अब दिल्ली बहाने नहीं सुनना चाहती है, सत्य जानना चाहती है। और इन लोगों तो ये जो भी डर दिखाया जा रहा है मनोज जी, वो कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, छापेमारी हो सकती है, और हम दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे, हम उनसे पूछेंगे कि क्या जेल में रहकर हम सत्ता चलाएंगे, तो क्या ये सब कुछ ये क्या माहौल तैयार किया जा रहा है 24 के लिए? नहीं, मेरा मानना है कि अगर उनको उनके साथी जेल में बंद है, बेल नहीं मिल रहा है, तो दिल्ली के लोग इतना थोड़ी ना समझ है, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कल्प्रिट है, ये मास्टरमाइंड है। अब वोट तो बीजेपी नहीं है, और जो मैसेज ये युवाओं को दे रहे हैं कि कानून का पालन मत करो, वो ठीक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तिवारी जी हमसे बातचीत करने के लिए।